Welcome back after the break. So now let's discuss amendment related to chapter 15, refunds. Proper officer to issue payment order instead of payment advice for refunds. बहुत ही छोटा सा amendment है, जहां जहां payment advice लिखा हुआ था rules के अंदर, उसको replace कर दिया गया है with payment order. So proper officer will now issue payment order instead of payment advice for refunds under GST with effect from 24-9-2019. To give effect to this amendment with effect from 24-9-2019, Rule 91 sub rule 3, Rule 92 sub rule 4, Rule 92 sub rule 5, Rule 94 of the CGST rules have been suitably amended, and Rule 91 sub rule 4 and Rule 92 4A have been newly inserted. तो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा अमेंडमेंट है. तो अगर अपन एग्जांपल के तौर पे रूल 92 देखे, ये मेरी नवंबर 2019 की बुक है. वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द अमाउंट रिफंडेबल अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 इज पेबल टू द एप्लीकेंट अंडर सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 54, he shall make an order in form GST RFD 06 and issue a payment advice in form GST RFD 05. अब ये क्या हो गया? Payment order. Okay? तो आपको ये replace करना है. बस. इतना छोटा सा amendment है. Session 1 के अंदर amendment lectures के मैंने बोला था केवल एक न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है, डिसबर्समेंट सेक्शन 54 सब सेक्शन 18. क्या है ये? द गवर्नमेंट मे डिसबर्स द रिफंड ऑफ द स्टेट टैक्स इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब. सो गवर्नमेंट इज बेसिकली गोइंग टू नोटिफाई दैट हाउ दे आर गोइंग टू डिसबर्स द रिफंड ऑफ द स्टेट टैक्स. इतना छोटा सा सिंगल लाइन का ये अमेंडमेंट है इन सेक्शन 54 सब सेक्शन 8A. ये न्यू सेक्शन है बेसिकली, ये इतनी लाइन का ही सेक्शन है बस. दैट्स ऑल. ओके, रिफंड के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है वो ये है. देखते हैं क्या अमेंडमेंट है. रिफंड ऑफ टैक्सेस टू द रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिश इन डिपार्चर एरिया ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड इमिग्रेशन काउंटर्स making tax-free supply to an outgoing international tourist. Rule 95A, new rule, which is inserted. And to clarify also about refund process, it is circular number 106-25-2019, GST dated 29-6-2019. आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने इंटरनेशनल ट्रेवल किया है तो सबसे पहले क्या होता है, डोमेस्टिक के अंदर भी सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेशनल में भी वही होता है बेसिकली. सबसे पहले बोर्डिंग पास बनाते हो आप लोग. बोर्डिंग पास बनाने के बाद आपको एक इमिग्रेशन काउंटर मिलता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल. तो वो आपका वीजा सब चेक करेगा, देन ओनली यू कैन मूव टू डिपार्चर एरिया. बीच में सिक्योरिटी चेक होता ही है. तो डिपार्चर एरिया के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा ड्यूटी फ्री शॉप्स रहते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या दुबई में हो या सिंगापुर में हो. तो ड्यूटी फ्री शॉप है तो यहाँ आप परचेजिंग कर सकते हैं और बेसिकली इसके ऊपर जो डोमेस्टिक टैक्सेज होते हैं वो लेवी नहीं होते. तो ये फायदा होता है. तो ये नॉर्मली हर कंट्री के अंदर होता है ड्यूटी फ्री शॉप्स इन डिपार्चर एरिया इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अगर आप लोग वो रिकलेक्ट करो सेक्शन 15, सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दैट द आईजीएसटी पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय हिम शैल बी रिफंडेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड सेफगार्ड एज में भी प्रेस्क्राइब. तो सेक्शन 15 के अंदर रिफंड रिलेटेड टू टूरिस्ट, ओके, हु इज लिविंग इंडिया
on any supply of goods taken out of India by him, government is going to refund the GST amount. And if you also recollect, as per the provision to section 8 subsection 1, read with section 7 subsection 5 of IGST Act, supply made to tourists referred in section 15 shall be treated as interstate supply. So, agar aap tourist ko supply kar rahe ho, then it is interstate and supply is going to charge IGST. And according to section 15, such person can claim refund in such manner and subject to such condition as may be prescribed. Now, who is tourist? Tourist has been defined to mean a person not normally resident in India who enters India for a stay of not more than 6 months for legitimate non-immigrant purpose. So, जैसे job के लिए नहीं आता हो, उसका कोई tourist मान लीजिए US citizen आता है India घूमने के लिए, ताजमहल घूमने के लिए आता हो या और कोई दूसरी जगह घूमने आता है, but non-immigrant purpose. ओके सो जो ड्यूटी जो डिपार्चर एरिया में ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है वो बेसिकली आप बोल सकते हो जो रिटेल आउटलेट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डिपार्चर एरिया में वो मेनली दो तरह की होती है. एक तो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है विच सप्लाइज गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम कस्टम वेयर हाउस एज वेल एज टैक्स पेड इंडिजीनियस गुड्स. और एक होती है ड्यूटी पेड शॉप्स DPS विच सप्लाइज ओनली टैक्स पेड इंडिजीनियस गुड्स. सो रिटेल आउटलेट होता है डिपार्चर एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर. एक होती है ड्यूटी फ्री शॉप्स, तो वो सोर्सिंग कहाँ से करती है, मटेरियल का जो सोर्सिंग है, मतलब दे आर ऑब्वियसली सेलिंग टू द इंटरनेशनल टूरिस्ट. अब वो सोर्सिंग तो उनको करना पड़ेगा कहीं से, तो वो बाई करेंगे तभी वो सेल कर सकते हैं, तो वो बाई कहाँ से करते हैं. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में एक ड्यूटी फ्री शॉप है और एक ड्यूटी पेड शॉप है. ठीक है, ड्यूटी फ्री शॉप का नाम ए है, ड्यूटी पेड शॉप का नाम बी है. अब जो ड्यूटी फ्री शॉप है वो गुड्स का सोर्सिंग, मतलब आप बोल सकते हो गुड्स की बाइंग कहाँ कहाँ से करती है. एक तो कस्टम वेयर हाउस से करती है, एक जो मुंबई के लोकल शॉपकीपर है वहाँ से वो बाई करती है, और एक दूसरे स्टेट से भी वो बाई करती है. अब ये ड्यूटी फ्री शॉप है कस्टम वेयर हाउस से बाई करती है, तो कस्टम के जो वेयर हाउसिंग प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे. कस्टम के अंदर वेयर हाउसिंग प्रोविजन इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू. ठीक है, तो कस्टम के जो वेयर हाउसिंग प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे. लेकिन जब ये ड्यूटी फ्री शॉप्स मुंबई के लोकल शॉपकीपर से बाई करती है तो वो GST लेवी करेगा. देयर इज नो एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड टू सच टाइप ऑफ सप्लाई इफ यू रिकलेक्ट GST प्रोविजन. या फिर ये दूसरे स्टेट से बाइंग करता है तो भी GST लगेगा, IGST लगेगा इन दैट सिनेरियो. तो दोनों मामलों में GST लगने वाला है. कस्टम वेयर हाउसिंग के अंदर यस देयर इज सम एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड टू दीज पीपल, लेकिन GST के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है. तो जब भी सप्लाई इनको सप्लाई करेगा ड्यूटी फ्री शॉप्स को, सो ही इज गोइंग टू चार्ज GST. इफ इट इज इंटरस्टेट सप्लाई देन सी GST, HGST एंड इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई वी नो IGST, सच सप्लाई इज गोइंग टू चार्ज. ड्यूटी पेड शॉप क्या करती है, दे नॉर्मली बाई इंडिजीनियसली ओनली, तो वो कस्टम वेयर हाउस से बाई नहीं करती. तो जब ये बाई करेंगी तब भी GST लगेगा ही लगेगा, इंटर स्टेट CGST एंड HGST और UTGST इन केस ऑफ इंटर स्टेट IGST. सो सप्लाई इज गोइंग टू लेवी GST. नाउ गवर्नमेंट हैज इश्यूड नोटिफिकेशन नंबर 11/2019 IT रेट डेटेड 29 June 2019. Issued in exercise of powers conferred under section 6 subsection 1 of the IGST Act and 11 subsection 1 of the GST Compensation to State Act 2017. ये notification बोलता है कि supply of goods by retail outlet established in the departure area of an international airport
बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर्स सप्लाइंग गुड्स टू आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टैक्स एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस इफ एप्लीकेबल. तो ये जो आउटलेट है जो डिपार्चर एरिया में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और जो आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई करते हैं, सच सप्लाई इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट. तो सच टाइप ऑफ सप्लाई इज एग्जम्प्टेड. Why it is written integrated tax? CGST, HGST क्यों नहीं लिखा? You need to interlink this with section 15. If you are supplying to outgoing international tourist, it is considered as interstate supply. Correct? तो इसलिए IGST लगेगा. तो IGST और सेस से ये exempt है ये supply. अब इनके सामने क्या problem खड़ी हो गई duty free shops या duty paid shops से? अगर वो लोकली बाय करते हैं, मतलब मान लीजिए इंटर स्टेट या इंटर स्टेट, सो जीएसटी में तो कोई स्पेशल प्रोविजन है नहीं कि इनकी इनवर्स सप्लाई एग्जम्प्ट है. सो व्हेन दे आर सोर्सिंग द मटेरियल, व्हेन दे आर सोर्सिंग द गुड्स, दे हैव टू पे जीएसटी. इन केस ऑफ इंटर स्टेट सीजीएसटी, एचजीएसटी और यूटीजीएसटी. इन केस ऑफ इंटर स्टेट आईजीएसटी. और जब वो सप्लाई करेंगे तो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एग्जम्प्टेड. तो चार्ज नहीं करेंगे तो इनकी जीएसटी लाइबिलिटी तो है नहीं पेमेंट की. लेकिन जब वो बाय कर रहे हैं तो जीएसटी सप्लायर चार्ज कर रहा है. अब क्योंकि ये एग्जम्प्ट है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा ना, एग्जम्प्ट है. रिमेंबर इट इज नॉट जीरो रेटेड सप्लाई. इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई यू कैन अवेल रिफंड. करेक्ट, अगर आपने एलयूटी बॉन्ड फर्निश किया या फिर रिबेट स्कीम लिए तो पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड यू कैन क्लेम रिफंड. करेक्ट, लेकिन बिकॉज ये एग्जम्प्ट है, रिमेंबर द वर्ड एग्जम्प्टेड, सो इट इज नॉट जीरो रेटेड. इट इज नॉट जीरो रेटेड. सो एग्जम्प्ट के मामले में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता. तो बेसिकली क्या होगा, जो ये लोग जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, वो इनकी कॉस्ट हो जाएगी. ड्यूटी फ्री शॉप्स और ड्यूटी पेड शॉप्स, वॉट एवर दे आर बाइंग, दे आर पेइंग जीएसटी. इफ दे आर बाइंग लोकली इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, दे हैव टू पे जीएसटी. तो वो उनकी कॉस्ट हो जाएगी बिकॉज देयर आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जम्प्ट. तो अगर ये कॉस्ट हो गई तो ऑब्वियसली इनका प्राइस इंक्रीज होगा. देन यू कैन नॉट से दिस इज ड्यूटी फ्री शॉप इन डिपार्चर एरिया. जो अपन ने बड़े अक्षरों पे देखा था ना ड्यूटी फ्री शॉप, वो ड्यूटी फ्री कैसे हुआ? टैक्स तो लेवी हो रहा है, वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वो कॉस्ट अपनी प्राइसिंग में लोड करेंगे नहीं करेंगे सेलिंग प्राइस पे, तो ड्यूटी फ्री शॉप तो नहीं कहलाएगी. तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव इंसर्टेड New rule 95A has been inserted in Central Goods and Service Tax CGST rule 2017. As per the said rule, the retail outlet supplying indigenous goods to tourists shall be entitled to claim refund of integrated tax or central tax and state tax CGST and HGST or IGST. इंटरस्टेट पेमेंट, इंटरस्टेट उन्होंने बाइंग की है तो सप्लायर क्या लेवी करेगा? आईजीएसटी. तो उनको आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा. अगर उन्होंने इंटरस्टेट किए तो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी का रिफंड मिलेगा. एज द केस में भी एंड सेस इफ एप्लीकेबल, क्योंकि सेस सबके ऊपर तो एप्लीकेबल है नियम. पेड ऑन द इनवर्स सप्लाई ऑफ सच इंडिजीनियस गुड्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. तो एग्जम्प्ट है इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो अवेल नहीं कर सकते. तो इसलिए उन्होंने जो भी सप्लायर को पे किया है जीएसटी बेसिकली, वो उनको रिफंड मिल जाएगा. अगर सेस पे किया तो उसका भी रिफंड मिल जाएगा. क्या कंडीशंस है जो उनको सेटिस्फाई करनी है टू क्लेम द रिफंड? इनवर्ड सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय रिटेल आउटलेट
फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस. ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस इश्यू होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होता तभी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो. सो टैक्स इनवॉइस तो होना चाहिए तभी तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो प्रूफ दैट यू पेड द टैक्सेस. करेक्ट. गुड्स आर सप्लाइड टू टूरिस्ट अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स. आपको टूरिस्ट को टैक्स चार्ज नहीं करना. अगर टूरिस्ट को टैक्स चार्ज कर लिया देन इफ यू आर क्लेमिंग द रिफंड, रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यू आर बिकमिंग रिच ऑन समवन एज मनी. तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज और कलेक्ट टैक्स फ्रॉम टूरिस्ट. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रिटेल आउटलेट, बेसिकली जीएसटी नंबर, इज मेंशनड ऑन द टैक्स इनवॉइस फॉर द इनवर्स सप्लाई. तो इसका जीएसटी नंबर होना चाहिए. सच अदर रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस एज में बी स्पेसिफाइड. दिस प्रोविजन ऑफ रूल 92 शैल मोटाटिस मोटांडिस अप्लाई फॉर द सेंक्शन एंड पेमेंट ऑफ रिफंड अंडर दिस रूल. ठीक है. तो टैक्स इनवॉइस उसके पास होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस पे उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए और उसने जिसको सप्लाई किया उससे टैक्स वसूल नहीं किया. सो बेसिकली तीन तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है एंड रूल 92 इज गोइंग टू अप्लाई मोटाटिस मोटांडिस. ओके. अब एक बात और सोचने लायक है अपने को, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो रिफंड मिल रहा है ये जो वो एक्यूमुलेट कर रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका मिल रहा है क्या? जो ड्यूटी फ्री शॉप या ड्यूटी पेड शॉप दे कैन क्लेम रिफंड. तो ये जो रिफंड मिल रहा है वो किसने मिल रहा है? क्योंकि उनकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जम्प्ट है, इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उसका रिफंड है क्या? नहीं. रिमेंबर एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड किस केस में मिलता है? जियो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन दो सिनेरियो में ही आपको एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलता है. देयर इज नो थर्ड सिनेरियो. तो फिर इनको रिफंड किसका मिल रहा है? इनको रिफंड बहुत सिंपल है, जो उन्होंने बाय किया है उसके ऊपर जो पे किया है और फिर वो टूरिस्ट को वो जो सप्लाई कर रहे हैं उसका उनको रिफंड मिल रहा है. तो इसके अलावा कहीं उन्होंने जीएसटी का पेमेंट किया है तो रिफंड नहीं मिलेगा. क्लियर? ये एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं है. जो वो सोर्सिंग कर रहे हैं, जो बाइंग कर रहे हैं, जो उनकी इनवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर उन्होंने जीएसटी का पेमेंट किया वो उन्होंने टूरिस्ट को सप्लाई किया, वो एग्जम्प्ट है इसलिए उनको रिफंड मिल रहा है. ये एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं है. एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड रिकलेक्ट यू कैन ओनली क्लेम इन केस ऑफ जियो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. क्लियर? सिंस द आउटवर्ड सप्लाईज बाय रिटेल आउटलेट इज एग्जम्प्ट दे विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. Thus, it is clarified that the refund to be granted to retail outlet is not on account of the accumulated input tax credit, but based on the invoices of the inward supplies of indigenous goods received by them. अब वो लोग tourists को supply करते हैं without payment of tax. Basically, उनको GST charge नहीं करना है. तो उसके लिए कुछ formality है क्या? Yes, है. The following documents and declaration are required. Detail of passport via passport reading machine. Details of boarding pass via barcode scanning reading device. A passenger declaration in the prescribed format. Copy of invoice evidencing that no tax was charged from the eligible passenger by the retail outlet. Or agar isne tax charge kar liya to no refund. Remember principle of unjust enrichment. Normally India mein nahi, agar maan lijiye aap bahar bhi shopping karte ho like Singapore या फ्रांस या जर्मनी में, दे नॉर्मली टेक योर पासपोर्ट जेरोक्स एंड दे आल्सो टेक इधर दे टेक द स्कैन कॉपी और द पासपोर्ट जेरोक्स एंड योर वीजा कॉपी. क्योंकि मैंने जितनी बार बाइंग की है वो ये लेते ही लेते हैं. सो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजन इज आल्सो हियर. ओके. इन इंडिया नाउ व्हाट इज द मैनर ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन. द रिटेल आउटलेट शैल क्लेम रिफंड इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 10B on
monthly or quarterly basis manually to the jurisdictional proper officer until online application available. So basically online application abhi available nahi hai. So such retail outlet need to file refund claim manually to jurisdictional proper officer as the case may be. ये आपको याद नहीं करना है, क्यों नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आप प्रोविजन को अच्छी तरह से समझ सके. द रिफंड एप्लीकेशन शुड बी accompanied विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? बेसिकली जो आपने सप्लाई की आउटवर्ड सप्लाई, वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होनी चाहिए, करेक्ट. सो बेसिकली सेल्फ सर्टिफाइड कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इनवॉइसेज इशूड फॉर द सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ और क्वार्टर. तो स्टेटमेंट देना है ऑफ इनवॉइसेज इशूड फॉर द सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ और क्वार्टर. मतलब बेसिकली जो रिटेल आउटलेट टूरिस्ट को जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट. अंडरटेकिंग बाय रिटेल आउटलेट दैट द इंडिजीनियस गुड्स ऑन विच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड हैव बीन रिसीव्ड बाय देम एंड सच गुड्स हैव बीन सोल्ड टू टूरिस्ट. कॉपीज ऑफ फॉर्म GSTR 3B एंड GSTR 2A फॉर फ्री एट कवर्ड इन रिफंड क्लेम. क्योंकि ये मैनुअली है इसलिए हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी GSTR 2A, GSTR 3B की. GSTR 2A की कॉपी देने की किस लिए जरूरत है? वेरी सिंपल, क्योंकि GSTR 1 सप्लायर फाइल करेगा, उससे ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 2A, तो ज्यूडिशनल ऑफिसर चेक कर सकता हाँ इसने एक्चुअल में इतना GST का पेमेंट किया, करेक्ट. अब ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने GSTR 1 फाइल नहीं किया हो, क्योंकि GSTR 2A में तो वही आएगा जो सप्लायर फाइल करेगा तभी, करेक्ट. अगर सप्लायर ने फाइल नहीं किया तो GSTR 2A में आने का सवाल ही नहीं है. तो उस मामले में अटेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ इनवर्स इनवॉइसेज ऑन विच रिफंड इज क्लेम्ड बट विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म GSTR 2A. तो जो GSTR 2A में है उसकी हार्ड कॉपीज देने की जरूरत नहीं है. जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और रिटेल आउटलेट को रिफंड लेना है तो उसकी अटेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ इनवर्ड इनवॉइसेज उसको देना पड़ेगा टू प्रूव दैट कि उसने GST का पेमेंट किया है. सो दैट्स व्हाई ही इज एलिजिबल फॉर रिफंड. अदर पॉइंट्स, द रिकॉर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ड्यूटी पेड इंडिजीनियस गुड्स बीइंग ब्रॉट टू द रिटेल आउटलेट एंड देयर सप्लाइज टू टूरिस्ट शैल बी मेंटेन्ड इन द प्रेस्क्राइब मैनर. द रिटेल आउटलेट are required to prominently display a notice that tourist is eligible for purchase of goods without payment of domestic taxes. So basically इसको एक तो account keeping रखनी पड़ेगी incoming goods की, जिसके ऊपर उसने GST का payment किया है और जो उसने outward supply किया, okay. दूसरा, retail outlet को prominently display करना है कि tourist can buy goods from here without paying domestic taxes. तो ये उसको डिस्प्ले भी करना है, ओके. स्पेशलाइज एजेंसीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 55 ऑफ CGST एक्ट एंटर टाइटल टू रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सो फर्स्ट रिकलेक्ट सेक्शन 55 प्रोविजन. UN एजेंसीज और embassies, if they are buying domestically, they can claim refund. क्योंकि supplier जब उनको supply करता है, supplier is going to charge GST. So such UN agencies or embassies etc. they can claim refund according to section 55. But what is going to happen in case of import of goods? ये तो हमने discuss नहीं किया था, correct? जब import of goods है, then such UN और embassies they need to pay IGST, तो उसका क्या, they can claim the refund? Have we discussed? The answer is no. So that's why the new amendment IGST paid on import of goods. So according to this amendment, now UN or embassies etc. when they are importing the goods, they are paying IGST. They can claim refund of such IGST. Therefore, on this principle of parity, specialized agencies ought to get the refund of the IGST paid on imported goods. तो लोकली बाई करते हैं तो भी उनको रिफंड मिलेगा, और वो आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का और उन्होंने IGST का पेमेंट किया है तो उसका भी उनको रिफंड मिलेगा.
ओके। चैप्टर 19 डिमांड्स एंड रिकवरी, रिमेंबर एजुडिकेशन सेक्शन सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। व्हेन प्रॉपर ऑफिसर इज गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 73, व्हेन टैक्स इज नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एनएसी रिफंडेड और आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड, देन प्रॉपर ऑफिसर इज गोइंग टू इशू SCN अंडर सेक्शन 73, करेक्ट। और अगर फॉर रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट है तो फिर वो सेक्शन 74 अप्लाई करेगा और सेक्शन 74 के अंदर ही इज गोइंग टू इशू SCN। SCN के अंदर क्या डिफरेंस होगा? इन सेक्शन 73 ही इज गोइंग टू राइट टैक्स प्लस इंटरेस्ट अलोंग विथ एप्लीकेबल पेनल्टी। क्या लिखेगा वो? एप्लीकेबल पेनल्टी। इन केस इफ ही इज इशूइंग SCN अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 ही इज गोइंग टू पुट टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी इक्वलेंट टू द टैक्स स्पेसिफाइड इन द नोटिस, मतलब 100% पेनल्टी, करेक्ट। तो ये फर्क है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के SCN के अंदर। अब अगर आप लोग रिकलेक्ट करो सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74, सब सेक्शन 5 इंटीमेशन बाय टैक्सेबल पर्सन ऑफ डिपॉजिट प्रायर टू इश्यू ऑफ नोटिस, मीन्स SCN इश्यू होने के पहले अगर टैक्सेबल पर्सन डिपॉजिट कर देता है टैक्स प्लस इंटरेस्ट का, द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस SCN अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 73 पे द अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो वो क्या पे कर रहा है? टैक्स प्लस इंटरेस्ट on his own ascertainment or as ascertained by the proper officer and inform proper officer in writing of such payment। और 74 के अंदर भी वो क्या करता है? 74 के अंदर वो पे करेगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी इक्वलेंट टू 15% ऑफ सच टैक्स। तो यहां उसको पेनल्टी पे करनी है इफ सपोज ही वांट टू डिपॉजिट द मनी, सो ही नीड टू आल्सो पे पेनल्टी इफ दिस इज द केस ऑफ सेक्शन 74, यानी फ्रॉड सप्रेशन ऑफ फैक्ट विलफुल मिस स्टेटमेंट है तो वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 15% पेनल्टी पे करेगा। यहां वो पेनल्टी पे नहीं करेगा। ये बात कब की है? जब SCN इश्यू होने के पहले वो पेमेंट करता है। अब पेमेंट का जो पेमेंट वो कर रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे कौन करेगा? या तो वो खुद कर सकता है कि भाई मेरा इतना टैक्स ड्यू होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, या फिर प्रॉपर ऑफिसर एसरटेन करके उसको बताएगा, ठीक है। ये दोनों में प्रोविजन है, या तो वो खुद कैलकुलेट करे, खुद एसरटेन करे, या फिर प्रॉपर ऑफिसर एसरटेन करके उसको बताएगा। लेकिन यहां एक गैप है, प्रॉपर ऑफिसर SCN इशू करता है तो उसमें सब कुछ लिख के देता है, लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर उसको एसरटेन करके बताएगा तो किस मोड में वो बताएगा? फोन पे या नोटिस के पहले कुछ वो लेटर इशू करेगा, क्या करेगा वो? तो ये कहीं प्रोविजन में लिखा हुआ नहीं है कि वो करेगा क्या, एसरटेन करेगा फिर बताएगा कैसे? फोन करके बताएगा तो प्रॉब्लम है, क्यों? करप्शन हो सकता है, करेक्ट। तो ये जो वैक्यूम है या जो ये उन्होंने प्रोविजन पहले प्रोवाइड नहीं किया था, अब अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने क्लियर कर दिया है। यही अमेंडमेंट है एच पर न्यूली इंसर्टेड रूल 142 सब रूल 1A, द प्रॉपर ऑफिसर सेल बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 और अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 एज द केस में बी, सेल कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज एसर्टेन बाय द सेड ऑफिसर इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01A। फॉर्म तो आपको याद करना नहीं है, आपको तो प्रेस्क्राइब फॉर्म ही याद रखना है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? बिफोर इश्यूएंस ऑफ SCN, रिमेंबर बिफोर इश्यूएंस ऑफ SCN टू द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, वो क्या करेगा? ही इज गोइंग टू कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज एसर्टेन्ड बाई प्रॉपर ऑफिसर
इन पार्ट ए पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी डी आर सी 01A, यानी अभी एससीएन इश्यू नहीं हुआ, एससीएन इश्यू होने के पहले वो एसरटेन करेगा कि इस बंदे की कितनी लाइबिलिटी हो सकती है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, वो उसको पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी डी आर सी 01 में कम्युनिकेट करेगा, 01A के अंदर, ठीक है, वो कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद हो सकता है जो टैक्सेबल पर्सन है वो चूज करे कि नहीं भाई एससीएन इशू मत होने दो, मैं तो पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर पेमेंट करता हूँ सेक्शन 73 के अंदर तो मेरे को पेनल्टी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अगर सेक्शन 74 का केस है तो मेरे को केवल 15% पेनल्टी का पेमेंट करना, करेक्ट, 15% का, करेक्ट ना, ठीक है। तो वो उसको कैलकुलेट, मतलब बेसिकली एसरटेन करके इस फॉर्म के अंदर बताएगा। लेकिन याद रखना, अभी तक एससीएन इशू नहीं हुआ, ये एससीएन इशू होने का पहले का प्रोसेस है। तो जो मैं बोला था गैप है प्रोविजन के अंदर, मतलब सब सेक्शन 5 बोलता है ना कि या तो वो बंदा टैक्सेबल पर्सन खुद एसरटेन करे या प्रॉपर ऑफिसर एसरटेन जो किया उसके बेसिस पे वो पेमेंट कर दे, तो एसरटेन करने का कम्युनिकेशन का प्रोविजन नहीं था। तो अब ये उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू ये जो गैप था उसको फिल कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसने कम्युनिकेट किया। फिर क्या होगा, एज पर रूल 142 सब रूल 2, वेयर बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स मेक्स पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 73 और एट द केस में भी टैक्स इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, क्योंकि अगर 74 का मामला है तो पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, 73 का मामला है तो एससीएन इश्यू होने के पहले अगर पेमेंट करते हैं तो पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसमें क्या लिखा, टैक्स एंड इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 74 और वेयर एनी पर्सन मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट ड्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेदर ऑन इज ऑन एसरटेनमेंट और एज कम्युनिकेटेड बाई द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सब रूल 1A ही शैल इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सच पेमेंट इन फॉर्म जीएसटी डी आर सी 03 एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन एक्नोलेजिंग एक्सेप्टिंग द पेमेंट मेड बाई द सेड पर्सन इन फॉर्म जीएसटी डी आर सी 04। तो प्रॉपर ऑफिसर ने उसको इन्फॉर्म कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया इस फॉर्म के अंदर, फिर बंदा पेमेंट कर सकता है, करेक्ट, या तो खुद कैलकुलेट करे, नहीं यार ये प्रॉपर ऑफिसर कैलकुलेशन करेक्ट नहीं है, लेट मी कैलकुलेट, लेट मी एसरटेन एंड आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट, और वो उसको इन्फॉर्म कर देगा और प्रॉपर ऑफिसर एक्नॉलेजमेंट भी देगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगेगा कि नहीं नहीं इसने पूरा पेमेंट नहीं किया, इसका जो एसरटेनमेंट है जो इसने कैलकुलेट किया वो गलत है, तो नोटिस इशू करेगा जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसके लिए। तो ये तो हमने सेक्शन 73 और 74 में पहले देख लिया कि अगर शॉर्टफॉल होता है तो वो क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा, करेक्ट, जितना भी शॉर्टफॉल है। या फिर ये टैक्सेबल पर्सन बोलता है नहीं भैया जो इसने कम्युनिकेट किया वही मैं पेमेंट कर देता हूं, तो इट डिपेंड्स ऑन टैक्सेबल पर्सन डिसीजन, करेक्ट। तो वो फिर उसको कम्युनिकेट करेगा पेमेंट करने के बाद और प्रॉपर ऑफिसर फिर चेक करने के बाद उसको एक्नोलेज कर देगा। एज पर रूल 142 सब रूल 2A वेयर द पर्सन रेफर टू इन रूल 142 सब रूल 1A हैज मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ द अमाउंट कम्युनिकेटेड टू हिम और डिजायर टू फाइल एनी सबमिशन अगेंस्ट द प्रपोज लाइबिलिटी ही मे मेक सच सबमिशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी डी आर सी 01A। तो प्रॉपर ऑफिसर ने कम्युनिकेट किस में किया, पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी डी आर सी 01A कि भैया मेरे एसरटेनमेंट के हिसाब से तेरी ये टैक्स है, ये इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है। फिर पर्सन क्या करेगा, मान लीजिए उसको पार्सल पेमेंट करना है तो पार्सल पेमेंट करेगा, या फिर उसको मान लीजिए कोई रिप्लाई सबमिट करने की भैया तेरी जो लाइबिलिटी कैलकुलेशन है वो करेक्ट नहीं है, तो ही इज गोइंग टू सबमिट सच इन पार्ट बी। पार्ट ए में प्रॉपर ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा और पार्ट बी में वो अपना रिप्लाई सबमिट करेगा, ओके, या उसने पार्सल पेमेंट किया तो। ब्रिज कंप्लीट अपना हो गया, समझ गए। और इसके बाद भी मान लीजिए कुछ नहीं होता है यानी ये पेमेंट नहीं करता है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ही इज गोइंग टू इशू एससीएन। फिर जो अपना जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा एजुडिकेशन का, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मामला रफा दफा करना, गवर्नमेंट को अपना टैक्स से मतलब है, उसको लिटिगेशन से मतलब नहीं है,
गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, मामला खत्म। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेसिकली ये प्रोविजन रखा है कि भैया ठीक है, हम लोग को लिटिगेशन नहीं करना, हमको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी से मतलब है, तूने पेमेंट कर दिया, मामला खत्म, नहीं करेगा तो ठीक है, हमारे पास तो पावर है, एक्ट हमको पावर देता है, सो वी आर गोइंग टू इश्यू एससी एंड देन। क्लियर। चैप्टर 24 मिसलेनियस प्रोविजंस। सो देयर आर अमेंडमेंट इन रूल्स रिलेटेड टू एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस। सो बिफोर वी जंप टू द अमेंडमेंट, इफ यू रिकलेक्ट, एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी फाइल्ड बाय कंज्यूमर, देन स्टेट स्क्रीनिंग कमिटी कंफर्म प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ प्रॉफिटिंग, देन देयर इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग कमिटी कंफर्मिंग प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ प्रॉफिटिंग, देन इट विल गो टू DGAP, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग, हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इन डिटेल द प्रॉफिटिंग, देन फाइनली द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग ऑथोरिटी इज गोइंग टू पास द अप्रोप्रिएट ऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, करेक्ट। अब जो पहला अमेंडमेंट है वो ये है, टाइम पीरियड ऑफ 2 months अवेलेबल विद द स्टैंडिंग कमिटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर रूल 128 कैन बी एक्सटेंडेड अप टू फर्दर पीरियड ऑफ 1 month। तो पहले जो टाइम फ्रेम 2 months था, इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाई 1 month, दिस इज द ओनली अमेंडमेंट। सो द सेट पीरियड ऑफ 2 months कैन नाउ बी एक्सटेंडेड अप टू ए फर्दर पीरियड ऑफ 1 month फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, एज में बी अलाउड बाई द ऑथोरिटी। स्क्रीनिंग कमिटी टू एग्जामिन इश्यूज ऑफ लोकल नेचर एंड दोज फॉरवर्डेड बाई स्टैंडिंग कंपनी विद इन 2 months। स्क्रीनिंग कमिटी है, उसको क्या करना है, उसको 2 महीने के अंदर, बेसिकली ही स्क्रीनिंग कमिटी इज गोइंग टू एग्जामिन इश्यूज ऑफ लोकल नेचर एंड दोज फॉरवर्डेड बाई स्टैंडिंग कमिटी विद इन 2 months। सो द रूल 120 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट ऑल एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड parties on issue of local nature as well as those forwarded by standing committee shall first be examined by the state level screening committee and the screening committee within 2 months from the date of receipt of a written application, further extendable up to 1 month upon being satisfied that the supplier has contravened the provision of section 171, forward the application with its recommendation to the standing committee। So baad mein screening committee kisko bhejti hai, standing committee ko bhejti hai फॉर फर्दर एक्शन। अर्लियर स्क्रीनिंग कमिटी यूज टू एग्जामिन इस एप्लीकेशन ऑन इश्यूज ऑफ लोकल नेचर ओनली एंड देर वॉज नो टाइम लिमिट फॉर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन टू स्टैंडिंग कमिटी फॉर फर्दर एक्शन। तो पहले कोई टाइम लिमिट नहीं था, अब टाइम लिमिट आ गया इसके अंदर। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन बाई DGAP इंक्रीज फ्रॉम 3 months टू 6 months। DGAP क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग। तो पहले जो टाइम लिमिट 3 महीने था, नाउ इट इज एक्सटेंडेड अप टू 6 month। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है। सो बेसिकली DGAP को अब कंप्लीट करना अपने इन्वेस्टिगेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 6 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटी, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटी इसको भेजेगी। तो पहले क्या था, 3 महीने में इसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी, अब कितने महीने में करेगा, 6 महीने के अंदर। Now DGAP has to complete the investigation within a period of 6 months of the receipt of reference from the steering committee, which is further extendable up to 3 months. Authority empowered to summon persons. So remember section 70 of CGST Act, that proper officer can summon the person to give evidence, ये सब हमने पढ़ा था ना, उसी टाइप का यहाँ भी अमेंडमेंट हुआ है, that authority is empowered to summon persons. In addition to DGAP and an officer authorized by him in this behalf, the authority has also been empowered to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing under section 70 of the CGST Act, and shall have the power in any inquiry in the same manner as provided in the case of civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure 1908. So, ab authority ke paas power hai कि भाई वो बंदे को सम्मान कर सकते हैं। अगर ये पावर नहीं होता तो क्या होता, सामने वाला बंदा, उसको उन्होंने इशू किया नोटिस है सब, वो आता ही नहीं। सम्मान इशू करोगे, अगर वो एपीआर नहीं होते हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये पावर उनके पास होना जरूरी है। ठीक है।
Time limit for passing the order by the authority increased from 3 months to 6 months. तो DGAP ने डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग ने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट दे दी. उसका नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग इज गोइंग टू पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर. तो जो टाइम फ्रेम था प्रीवियसली इट वाज 3 मंथ, नाउ हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू 6 मंथ. ऑथोरिटी में सीक क्लेरिफिकेशन फ्रॉम DGAP ऑन हिज रिपोर्ट. सो डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग इज गोइंग टू गिव रिपोर्ट टू नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग ऑथोरिटी. अब मान लीजिए किसी मामले में उनको कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग ऑथोरिटी को, सो दे कैन सीक फ्रॉम DGAP कि भैया ये जो तूने पॉइंट डाला इसका बेसिस क्या है या एनी सपोर्टिंग है क्या, उसको कुछ भी डाउट हो सकता है तो वो क्लेरिफाई कर सकते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग ऑथोरिटी फ्रॉम DGAP ऑन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. Profiteered amount to be deposited in consumer welfare fund along with interest. So, जो भी supplier ने extra पैसा कमाया है, profit कमाया है, additional profit, उसको deposit करना है. Such person need to deposit along with interest. So, this is the amendment. The rule has been amended to provide that the said amount shall now be deposited along with interest at the rate of 18% from the date of collection of the higher amount till the date of deposit of such amount. तो supplier ने जो higher amount collect किया है उसके साथ में उसको interest का भी payment करना पड़ेगा. And interest is going to be calculated from the date of collection of the higher amount, जब उसने actual में collect किया है और जब वो डिपॉजिट कर रहा है, ही हैज टू पे 18% पर एनम इंटरेस्ट. जितना भी उसने हायर अमाउंट कलेक्ट किया उसके साथ में उसको 18% इंटरेस्ट भी डिपॉजिट करना पड़ेगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर अदर देन दोज कवर्ड इन रिपोर्ट ऑफ DGAP. सो DGAP डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग इज गोइंग टू सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग ऑथोरिटी. उसके बाद इफ सपोज नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग ऑथोरिटी थिंक और दे हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव दैट देयर हैज बीन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 जो एंटी प्रॉफिटिंग का ही है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज अदर देन दोज कवर्ड इन द सेड रिपोर्ट. यानी जो DGAP ने रिपोर्ट दी है उसके अलावा उनको लगता है कि भाई देयर इज स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव, ऑथोरिटी को ऐसा लगता है कि भाई उसके अलावा भी इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है. इट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ डायरेक्ट द DGAP टू कॉज इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी विद रिगार्ड टू सच अदर गुड्स एंड और सर्विसेज. तो जब वो रिपोर्ट पाते हैं या उनको पास मान लीजिए अगर कहीं से टिप ऑफ आती है और जिसकी वजह से उनको स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भैया इसके अलावा भी जो इसने रिपोर्ट में DGAP ने दिया इसके अलावा भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, हो सकता है दूसरे गुड्स या सर्विसेज पे हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है इसका भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए DGAP को. ठीक है. टेन्योर ऑफ ऑथोरिटी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स नोटिफिकेशन नंबर 33/2019 सिटी डेटेड 18/7/2019. सो जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग ऑथोरिटी है उसका टेन्योर 2 साल था from the date on which the chairman enter upon his office unless the GST council recommended otherwise. अब वो जो tenure है उसको amend करके 2 साल से 4 साल कर दिया गया. Okay. So this and discussion on amendment related to GST. Now custom. There are few amendment in custom. Okay. So let's start with chapter 1 levy of an exemption from custom duty. Clarification regarding applicability of notification number 45/2017 custom dated 36/2017 on goods which were exported earlier for exhibition purpose consignment basis. Notification number 45/2017 custom dated 30th June 2017 provides exemption from so much of the duty of custom leviable thereon which is specified in the first schedule to the custom tariff act 1975 and the whole of IGST compensation cess leviable thereon respectively under subsection 7 and subsection 9 of section 3 of the custom tariff act on certain kinds of goods exported under claim for drawback
under claim for refund of IGST paid on export under duty exemption scheme etc. तो इस मामले में IGST compensation says including BCD से exemption है according to notification number 45/2017 custom. So if you recollect section 20 re-importation of goods. So remember notification number 158/95 age amended by 62/2018 and notification number 45/2017 custom. So this में हमने पढ़ा था BCD, IGST and GST says is exempt and following sum is payable. ठीक है, अब हम लोग नहीं चैप्टर 14 के अंदर ये सर्कुलर देखा था, सर्कुलर नंबर 108/27/2019 जीएसटी डेटेड 18 जुलाई 2019, गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन. तो ये सर्कुलर को हमको इंटरलिंक करना कस्टम से. तो मैंने आपको चैप्टर 14 के अंदर क्या समझाया था कि अगर आप जैसे टाटा मोटर्स का हमने एग्जांपल लिया था कि भाई टाटा मोटर्स अपनी कार भेजता है जर्मनी के अंदर जो ऑटो शो है उसके लिए, तो हमने डिस्कस किया था जियो रेटेड सप्लाई के बारे में. पहले ये सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई नहीं है तो जियो रेटेड सप्लाई की क्वेश्चन ही नहीं आता है. और उसके अलावा फिर हमने रिफंड के लिए भी डिस्कस किया था, करेक्ट, कि अगर मान लीजिए जियो रेटेड सप्लाई है तो जो एक्युमुलेटेड ITC का है उसका रिफंड मिल जाएगा, करेक्ट, और एग्जांपल भी देखा था हमने ये. अब ये जो डिस्कशन था वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड था GST के पर्सपेक्टिव से. अब आप लोग गुड्स बाहर भेज रहे हो फिर वापस मंगा रहे हो तो कस्टम लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा ना. तो कस्टम लॉ के अंदर बेसिकली ये एग्जम्प्ट है क्या, इसमें इधर लिखा हुआ नहीं है कि ऑन गुड्स विच वर एक्सपोर्टेड अर्लियर फॉर एग्जीबिशन पर्पज कंसाइनमेंट बेसिस, तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं. यहाँ लिखा जो एग्जम्प्शन है उसमें सर्टेन काइंड्स ऑफ गुड्स, बेसिकली एग्जाम्पल गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम ऑफ ड्रॉबैक अंडर क्लेम फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट अंडर ड्यूटी एग्जम्प्शन स्कीम एटसेट्रा. तो GST एंड कस्टम में एक मिसमैच हो जाएगा, तो इसीलिए CBIC ने क्लेरिफाई किया कस्टम के अंदर भी, नो IGST इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर स्पेसिफाइड गुड्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग डीज आउट ऑफ इंडिया, द एक्टिविटी बींग नोट ए सप्लाई हैंज द सिचुएशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 45/2017 कस्टम डेटेड 30/6/2017 गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ IGST रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ IGST एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इन सच केसेज इज नॉट एप्लीकेबल. तो जो प्रोविजन है बेसिकली जो हमने पढ़ा है कि री इम्पोर्ट करते हो तो उस समय यू नीड टू पे IGST इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स विच वर एक्सपोर्टेड अर्लियर फॉर एग्जीबिशन पर्पज कंसाइनमेंट बेसिस, जो हमने GST के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है, जिससे कि कस्टम के अंदर और GST के अंदर कोई मिसमैच नहीं हो. फर्दर CBIC has clarified that such cases will fall more appropriately under residuary entry 13 of the said notification and thus the exemption is available. तो ये किसके अंदर फॉल करेगा ये भी CBIC ने clarify कर दिया है. Further, this clarification is also applicable in cases where export have been made to related or distinct persons or to principals or agent as the case may be for participation in exhibition or on consignment basis, but such goods exported are returned after participation in exhibition or the goods are returned by such consignee without approval or acceptance as the case may be. Okay, the basic requirement of supply age depend cannot be said to be met as there has been no acceptance of the goods by the consignee. तो जब वो री इम्पोर्ट हो रहा है सो ऑब्वियसली देन हैंस री इम्पोर्ट ऑफ सच गुड्स आफ्टर रिटर्न फ्रॉम सच एग्जीबिशन और फ्रॉम सच कंसाइनी विल बी कवर्ड अंडर रेजिडुअल एंट्री ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 45/2017 डेटेड 30/6/2017 प्रोवाइडेड री इम्पोर्ट हैपन्स बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी चालान, क्योंकि यही सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 भी बोलता है, करेक्ट, डिलीवरी चालान के अंदर बेसिकली 6 मंथ के अंदर या तो आप सप्लाई कर दो, अगर 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट.
तो अब ये जो क्लेरिफिकेशन है जो इन्होंने सीबीआईसी ने जीएसटी में दिया है, उसी टाइप का क्लेरिफिकेशन बेसिकली उसको मैच करते हुए उन्होंने कस्टम के अंदर भी इश्यू कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि ये भैया जो ये है ट्रांजेक्शन, ये बैठेगा एंट्री 13 ऑफ द सेड नोटिफिकेशन एंड थस द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। क्लियर। चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 9 काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल और एंटी सब्सिडी ड्यूटी। एंटी सरकमवेंशन मेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये हम लोग ने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? इफ यू रिमेंबर सेक्शन 9 ए सब सेक्शन 1 ए ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ए सब सेक्शन 1 ए ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, फॉलोइंग आर द वेज दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट सरकमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज ऑन एन आर्टिकल डेट में वारंट एक्शन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल सब्जेक्ट टू सच एंटी डंपिंग ड्यूटी, इम्पोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन एन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म, चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजन और एक्सपोर्ट और एनी अदर मैनर वेयर बाई द एंटी डंपिंग ड्यूटी सो इम्पोज इज रेंडर्ड इन इफेक्टिव इन सच केसेज इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरिड आउट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज ऑन सच आर्टिकल एज वेल। सो गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। अब जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी बंदा स्मार्ट है और जो इम्पोर्ट करता है वो भी स्मार्ट है, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि भैया उसका आर्टिकल का कंपोजिशन मान लीजिए कुछ चेंज कर दिया कि जिससे कि वो नया डिस्क्रिप्शन हो जाए और एंटी डंपिंग ड्यूटी लेवी नहीं हो, या इम्पोर्ट कर रहे हैं उस आर्टिकल का तो उसको अनअसेंबल या डिसेंबल फॉर्म में किया जाए, या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी मान लीजिए उस आर्टिकल पे लगाए कि अगर भाई चाइना से आ रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, तो चाइना से उसको थाईलैंड रवाना कर दीजिए, थाईलैंड से फिर इम्पोर्ट कीजिए। तो इन मामलों में क्या होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी जब उनकी नज़र में आ जाएगा एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी। बेसिकली इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दे आर डूइंग दिस टू अवॉइड एंटी डंपिंग ड्यूटी, करेक्ट। तो इस मामले में वो ये सब कर सकते हैं। तो सेक्शन 9 ए सब सेक्शन 1 ए बेसिकली टॉक अबाउट दिस। अब ये रिलेटेड था एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सेम जो प्रोविजन हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए पढ़ा था वो अब उन्होंने काउंटरवेलिंग ड्यूटी के लिए भी प्रोवाइड कर दिया। सो वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट कंसिडर नेसेसरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट सरकमवेंशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी हैज टेकन प्लेस बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, सेम वही है, बाय अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल ऑन विच सच ड्यूटी हैज बीन इम्पोज, by import of such article in an assembled or disassembled form, by changing the country of its origin or export or in any other manner whereby the countervailing duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the countervailing duty to such other article also. जैसे मान लीजिए कोई कार के ऊपर चाइना से इम्पोर्ट हो रही है, गवर्नमेंट ने countervailing duty लगाई। अब जो एक्सपोर्टर है वो और इम्पोर्टर उन्होंने आपस में बात की और बोला यार ये एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो नहीं लगनी चाहिए, ठीक है मैं दोनों मामलों में बात कर रहा हूँ, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी कैसे अवॉइड करें, तो वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को बोलता है कि ऐसा कर तो अनअसेंबल फॉर्म में अलग अलग तारीख को भेज दे, कभी इंजन भेज कभी ये टायर भेज कभी ऐसे कर, फिर मैं यहाँ असेंबली कर लूँगा, सो लाइक दिस वी कैन अवॉइड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी एप्लीकेबल है, तो ये कर सकता है। या फिर चाइना से इंपोर्ट के ऊपर लगी हुई तो बोलेगा ठीक है या तो ओरिजिन चेंज करके भेज दे, मतलब तो चाइना से काम कर सिंगापुर भेज दे, थाईलैंड भेज दे, फिर उधर से इंपोर्ट कर लेगा, तो ये सब कर सकते हैं बंदे लोग। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया है कि इस मामले में भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगेगी। ये पहले जो प्रोविजन था वो केवल एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए था, अब वो प्रोविजन उन्होंने काउंटरवेलिंग ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर दिया है, बेसिकली प्रोवाइड कर दिया। ओके, सेक्शन 9 सी अपील, अब ड्यूटी गवर्नमेंट ने लेवी कर दी, अब क्या होगा, सो एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन और रिव्यू देयर ऑफ
shall lie to Custom Excise and Service Tax Appellate Tribunal, such that in respect of the existing degree and effect of any subsidy or dumping in relation to import of any article or import of any article into India in such increased quantity and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry requiring imposition of safeguard duty in relation to import of that article. So basically appeal kiske paas jayegi? Sestate ke paas. Okay, against the order of determination or review thereof. So in mamlon mein appeal ja sakti kiske paas? Sestate ke paas. Aapko ye yaad rakhna hai ki yahan jo appeal provision hai aapke अगर नवंबर 19 के आप बुक यूज कर रहे हो तो ये लिखा हुआ होगा, इसमें केवल आपको ये ऐड करना है सेक्शन 9 सी अपील के अंदर. क्लियर? चैप्टर 5 इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है सेक्शन 41 के अंदर. सेक्शन 41 किससे रिलेटेड है? डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट in the case of vessel or aircraft, or export report in the case of a vehicle need to be furnished by whom? Person in charge. So, ab government ne isko amend karke, in addition to the person in charge, it can be also furnished by a person notified by the central government. So, pehle keval ye jo obligation tha, ye jo responsibility thi, wo keval person in charge ke upar thi. Ab government ne ek facility extend kiye ki bhai other than पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज तो कर ही सकता है, इन एडिशन टू द पर्सन इन चार्ज ए पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सच पर्सन कैन आल्सो फर्निश डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट. और अगर मान लीजिए पहले पर्सन इन चार्ज अगर टाइम पे ये सबमिट नहीं करता और कोई उसकी वजह नहीं है टाइम पे सबमिट नहीं करने की, तो प्रॉपर ऑफिसर कैन आल्सो लेवी पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज. तो अब ये पेनल्टी ये अदर पर्सन के ऊपर भी लेवी हो सकती है. केवल ये छोटा अमेंडमेंट है दैट इन एडिशन टू द पर्सन इन चार्ज ए पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो फर्निश डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट. चैप्टर 8 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें भी छोटा सा अमेंडमेंट है. Refund of drawback of basic custom duty paid on inputs for deemed export also allowed on all industry rate basis. तो पहले जो BCD का payment होता था on inputs for deemed export, it was only allowed under brand rate. So earlier the refund of drawback in the form of BCD of the input used in manufacture and supply under the deemed export category was given on brand rate basis. और brand rate basis पे कब दिया जाता था? जब actual में proof दिखाया जाता था that बेसिक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट हुआ है अपॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इविडेंसिंग एक्चुअल पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी. नाउ हाउएवर DGFT वाइड नोटिफिकेशन नंबर 28/2015-20 डेटेड 31 अक्टूबर 2019 हैज अमेंडेड द सेट प्रोविजन एंड प्रोवाइडेड अ रिफंड ऑफ ड्रॉबैक ऑन द इनपुट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई अंडर द डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी कैन बी क्लेम्ड ऑन ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक शेड्यूल नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोवाइडेड नो सैंडमेट क्रेडिट has been availed by supplier of goods on exercisable inputs or on brand rate basis upon submission of document evidencing actual payment of BCD. तो पहले केवल brand rate basis पे था और proof दिखाना पड़ता था कि भाई actual में payment किया गया BCD का, उसी के basis पे drawback मिलता था. Okay, अब ये all industry rate पे भी available हो गया है. Okay, this is the only amendment in chapter 8 foreign trade policy, and this end amendment lectures for May 2020. Thank you very much. All the best. Bye bye.